Bye. Look at center. Radhika ma'am, your center. Your center, Nawaz bhai. Radhika ma'am, bhai kaam karo thoda cheeze chehra dalo. Nawaz bhai. Nawaz samne. Nawaz bhai. मैम इधर देखिए ना, या 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 मैम लाइट बोलो नहीं मिल रहा है मैम, क्या गेम खेलो, क्या नहीं मिल रहा मैम, ये एक बार सेंटर में देख लीजिए मैम, ये या या मैम, ये मैम के कहाँ है I think, as I said before, it's a great platform that Mukesh has created. I think you know, theatre is a medium that needs to be really supported, and Mukesh is doing a great job. Also, what's interesting is he's integrating the film industry along with you know, people in theatre, and I think that's being able to create interest about this festival. And I wish him all the best. And as I said to him, I think he should make this into a travelling festival. And sir, what's your favorite food item? What's my favorite food item? Yeah. I'm a foodie, so I like love all kinds of food. Okay. So it's very difficult for me to say one favorite food. It depends if you're talking about Indian food or you're talking about Indian. I'm a bit of a carnivore, so I love nice kebabs. That's something that always hits the right spot with me. And do you cook at times? I wish I could. You know, I'm not a very good cook. My wife is a great cook, so I just sit and eat. Thank you so much. जी बहुत अच्छा लगा ये एक्चुअली मुकेश ने जब बताया था मुझे इस फेस्टिवल के बारे में उसी टाइम बहुत बढ़िया लगा एंड ही से इनवाइटेड मी मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा जैसे मैंने कहा आई थिंक इस किस्म के जो फेस्टिवल्स हैं इनको सपोर्ट करना ज़रूरी है बिकॉज थिएटर एज अ मीडियम उसको आई थिंक हमें बढ़ाना चाहिए फिल्मों में भी हमें मदद होती है ट्रेंड एक्टर्स हमें मिलते हैं अगर हमने हमारा थोड़ा एक्सपीरियंस है थिएटर में कॉलेज में उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने भी थिएटर में मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत मदद करता है मुझे जब मैं एक्टर्स को डायरेक्ट करता हूँ फिल्म बनाते समय स्टूडेंट्स के लिए मैसेज ये है कि थिएटर बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड है और अगर आपको इंटरेस्ट है एक्टिंग में तो थिएटर से बेटर ट्रेनिंग ग्राउंड आपको नहीं मिल सकता आप जितना अपना हुनर उसमें आजमा सकते हैं जितना आपका क्राफ्ट आप उसमें बेटर कर सकते हैं वो करिए आगे जाके अगर आपको फिल्में भी करनी है उसमें भी आपको मदद मिलेगी थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा आई थिंक मुकेश आपने बहुत ही अच्छा सेम्बलेंस किया है इतने अच्छे प्लेस हो रहे हैं बहुत सारे लोग आ रहे हैं रीडिंग हो रही है म्यूज़िक हो रहा है सो इट्स अ ग्रेट यू नो वे टू गो टू फिल्म्स
थिएटर करते हैं, मैं उमराव जान कर रही हूँ बहुत 2 सालों से, और मुझे बहुत खुशी है कि ऐसा मौका मिल रहा है जहाँ फिल्म और थिएटर साथ में मिल रहे हैं। मेहनत करते रहिए, एक्टिंग की कोई अल्टरनेटिव नहीं होती है, टैलेंट हमेशा ही काम आता है, और थिएटर से अच्छी शुरुआत और नहीं हो सकती। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ये, एक फिल्म और थिएटर को मिलाने का खासकर, और बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छे प्लेज, म्यूजिकल्स, रीडिंग, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, और सारे जितने भी उम्दा कलाकार हैं, खासकर जितने भी थिएटर आर्टिस्ट हैं जो फिल्म कर रहे हैं और कर चुके हैं, वो भी आ रहे हैं, और एक अच्छी बहुत ही खूबसूरत सी असेंबलेंस है जहाँ बहुत ही क्वालिटी और क्रिएटिव चीज़ें देखने को मिल रही है, और बहुत मज़ा आ रहा है। ये एक ऐसा एक ऐसी शुरुआत है जो हमेशा होनी चाहिए, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इसकी बात हूँ। हाँ, मैंने भी शुरुआत की थी जब मैं स्टूडेंट थी, और मुझे बहुत खुशी है कि इतने सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं एंड दे आर गेटिंग इंस्पायर्ड एंड इनकरेज। आई विल जस्ट से कि टैलेंट या हार्डवर्क की कोई अल्टरनेटिव नहीं होती है, और अगर एक्टिंग में आना है और फिल्मों में आना है तो थिएटर से अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। मैं खुद ही थिएटर करती हूँ, उमराव जान प्ले कर रही हूँ 1.5-2 सालों से, मुझे बहुत खुशी है कि सारे लोग थिएटर से शुरू करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये मैं पहले दिन आया हूँ, थोड़ा मशरूफ था इन दिनों, लेकिन जिस तरह का जो स्टैंडर्ड था प्ले का, जो स्वानंद भाई का था, बहुत बढ़िया, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ पे प्लेज किए जा रहे हैं, और शायद मेरे ख्याल से, मेरे को पता नहीं किसने लिखा है, शायद स्वानंद भाई ने लिखा है ना, स्वानंद भाई का ही था शायद, एकदम से इतनी जल्द हड़बड़ी में था कि स्वानंद भाई का प्ले और आ गए वो बिना देखे, तो लेकिन बहुत अच्छा था और परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी। और ये कॉलेजेस में इस तरह के इशूज़ को लेके जो प्लेस कर रहे हैं, हमारे टाइम पे इतना दम नहीं था, हमारे टाइम पे प्ले स्कूल में या कॉलेजेस में इतना वो नहीं था कि इस तरह के इशूज़ को उठाया जाए, तो लेकिन यहाँ पे निश्चित तौर पे जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल है नाटकों का, वो बढ़ रहा है, और जो यूथ है उनमें अवेयरनेस बढ़ रही है, छोटे छोटे इश्यूज़ को लेके वो बड़ी बारीकी से अपना नज़रिया पेश करते हैं, है ना, तो जो है आजकल के यूथ की अवेयरनेस बढ़ रही है, इसे देख के बड़ी खुशी हुई। बस इस तरह के फेस्टिवल्स करते रहिए, और इस बार तो मुझे थोड़ा लेट पता पहले चल गया था, दोस्त था मुकेश, बट मैं बिज़ी था, थोड़ा मशरूफ था, तो अगर पता चलता कि इस तरह का चल रहा है तो मैं हर रोज़ आ रहा होता, तो कल भी आऊँगा परसों भी। नहीं, अभी बिजी उसमें नहीं था, या अवार्ड शोज वगैरह में था थोड़ा सा, तो फॉर्मेलिटीज है उसके लिए करनी पड़ती, तो अभी अभी फिल्म करूँगा, अभी अभी फिल्म नहीं कर रहा हूँ।